हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं काले चने से चना मसाला। जैसा कि काबुली चना, देखो बहुत से लोग ना नहीं खाते हैं मोटे वाले, बहुत से लोगों को काले चने पसंद आते हैं, तो काले चने का भी मसाला सालन बहुत टेस्टी बनता है। आज मैं काबुली चने से हट के काले चने का मसाला बनाने वाली हूँ। तो आज हम ये बनाने वाले हैं चना मसाला, कैसा सालन टाइप बनाएंगे, ठीक बनाएंगे, ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, मसाले टाइप बनाएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ। चना मसाला खा के देखो, वैसे रमजान में जीनिया बने लास्ट ईयर बनाई थी 16 मसालों के काले चने, याद है? हाँ। बहुत से कमेंट आए थे अभी तक, लेकिन वो रेसिपी नहीं आई। और मैंने भी बनाई थी चटपटे काले चने रमजान में, पिछले रमजान में। इंशाल्लाह अभी और बनाएंगे अलग अलग तरीके से। 16 मसाले के चने बनेंगे या नहीं, इंशाल्लाह? देखो भाई, कमेंट करो अगर 16 मसाले वाले चने देखना है आपको आने वाले रमजान में या फिर अभी कुछ दिनों में, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, हम चना मसाला बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम आलू, चने, कोथमीर, हरी मिर्ची, प्याज, पिसे हुए टमाटे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, छोले मसाले। यहाँ लेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची। और यहाँ हमने खड़े गरम मसाले ज़्यादा नहीं लिए हैं, तेज पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और एक फूल। और यहाँ लिए हम हींग। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो सबसे पहले हम ले लेंगे चने। तो ये एक वाटी चने मैंने भिगाई थी, ये भीग कर दो वाटी हो गए है, और ये मैंने पूरी रात भीगने रखी थी। अगर आपको अर्जेंट है फिर भी 4 घंटे तो जरूर भिगा के रखना, क्योंकि अर्जेंट में हम कच्चे चने सिर्फ कुकर में बॉईल करते हैं तो अच्छे टेस्ट नहीं देते। अब हम इसको डाल देंगे कुकर में। ये दो वाटी चने हम डाल दिए कुकर में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हमारे चने अच्छे से भीग जाए इसमें इतना ही पानी डालेंगे। ये रेसिपी के लिए स्पेशली कुकर हमने मंगाया है ना मैं? नहीं, मंगाया नहीं है। ये स्पेशली मेरे पोते का कुकर है खेलने का। इससे खेलता है वो। लेकिन हमने बोले लाओ आज चने हम इसमें बॉईल करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, ठीक है? और अभी मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, इसको ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। तो 4 सीटी हो गई है कुकर की और इसका प्रेशर भी अपने आप निकल चुका है। अब यहाँ पे चने गले के ने थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे चने अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, इसको कुकर को इसी तरीके से यहाँ रख देंगे, ठंडा होने देंगे और यहाँ पे हम हमारी कढ़ाई चढ़ा देंगे, है ना? थोड़ा गरम होने देते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी 100 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, यही तेल के अंदर हम ये जो आलू लिए हैं ना, इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमने अभी चने अच्छे खासे गला चुके हैं, तो अभी आलू को भी थोड़े से फ्राई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू अच्छे से मैंने फ्राई कर ली हूँ 2 मिनट तक। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो अभी यही तेल में हम तड़का लगाएंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 1 फूल और 2 तेज़पत्ते डाली हूँ, और ये 1 चम्मच जीरा डाली। ये साज़ जीरा नहीं है, ये नॉर्मल ज़ीरा है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी हींग ली हूँ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके साथ साथ डालेंगे ये प्याज, ये 2 प्याज ली हूँ मैंने एकदम बारीक काट के, ठीक है? इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से लाल हो गई मेरी। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन, इसको भी ज़रा सा 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे, इसमें भी खुशबू अच्छे से आने लग जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले, जब तक हम गैस स्लो कर दिए हैं, है ना? ये 1/2 चम्मच हमारी कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल के हम अच्छे से
पहले हिला लेंगे ताकि हमारे सालन का कलर अच्छा आ जाए। इसके बाद डालेंगे हम एक चम्मच जीरे की बुक्की, दो चम्मच हम डालेंगे धनिए की बुक्की, एक चम्मच डालेंगे हम मिर्ची की बुक्की, आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी की बुक्की। ठीक है, अब इसको अच्छे से पका लेंगे। गैस हमारा स्लो है क्योंकि हमने तेल में हमारे सूखे मसाले ऐड करे हैं। तेल में अगर सूखे मसाले ऐड करेंगे तो गैस स्लो कर लेने का। अगर हम टमाटे पहले भून लेते हैं बाद में हम मसाले डालते हैं सूखे तो चलता है फास्ट गैस पे, वो जलते नहीं है। अगर हमने टमाटे से पहले सूखे मसाले ऐड करे हैं तो गैस स्लो करना। अब मैं डालूंगी इसमें ये जो तीन टमाटे मैंने पीसी हूँ मीडियम साइज के, अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर अच्छा पानी अपना सूखे तक हम भूनेंगे हमारी पूरी तरी ऊपर आए तक। तो यहाँ पर देखो मैंने टमाटे डाल के अच्छे से मसाला भून ली हूँ, पूरी तरी ऊपर आ गई है, पूरा पानी सूख गया है मेरे टमाटे का, है ना। क्या करेंगे हम, ये जो हमने चने गलाए हैं ना ये हम डालेंगे इसमें। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले ये थोड़े से चने हम साइड में हटा देंगे, नहीं तो ये भी पीसने के लिए भूल जाऊंगी। ये एक चम्मच मैंने इसमें ली हूँ, इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। ठीक है, अब डालेंगे हम सारे इसमें चने। पानी भी डाल देने का? हाँ, ये पानी फेंकने का नहीं है, चने बॉईल करेंगे। ये पानी में बहुत ताकत होती है, यही पानी अगर आप फेंक दिए तो फिर चने का कोई मतलब नहीं है। सुपरमैन भी ये पानी पिया था ना। अब डालेंगे हम ये आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम ऊपर ऐड करेंगे ये छोले। और ऐसा ऐड करेंगे हमें? स्लिप हो गया बेटा, सॉरी। ठीक है, ये हमने डाल दिए इसमें छोले मसाले सबसे ऊपर। मस्त बनेगा अभी मेरा सालन। अभी हम इसको थोड़ा सा पकने छोड़ेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा बस। अब इसको ढक के रखूंगी मैं पूरा 10 मिनट तक पकने के लिए। चने भी गले हुए हैं हमारे, आलू भी फ्राई है, लेकिन फिर भी चने के अंदर हमारे अच्छे से मसाला अब्सॉर्ब करना चाहिए, हमारे आलू में भी मसाला अच्छे से पकड़ना चाहिए। इसके लिए हम इसको धीमी आंच पे अभी 10 मिनट तक पकने देंगे, वो भी ढक के। तो चलो, इसको 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट तक पकाऊंगी बोली थी मैंने, लेकिन 5 ही मिनट पकाई हूँ अब, क्योंकि इसके अंदर हम ये चना डालेंगे, उसके बाद हम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। ये जो मैंने दरदरा सा पीसी हूँ, ठीक है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा। इससे क्या होगा मालूम, हमको जो चना मसाला है ना उसमें ना थिकनेसपन मिलेगा, जैसा थोड़ा गाढ़ा, ये मसाला जो थिक हो गया ना डालते साथ, अब ये पकेगा तो थोड़ा सा थिक और होगा। और अभी हमारे आलू भी पूरी तरीके से नहीं गले हैं तो उनको भी गलने के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको अभी 5 से 7 मिनट तक और पकने रखूंगी। तो 6-7 मिनट मैंने इसको और पका ली हूँ, माशाल्लाह धीमी आंच पे ढक्कन ढक के। अभी आलू वगैरह भी मेरे अच्छे से गल चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर ये हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अब क्या है, जिसको ज़्यादा तीखा और खाना है तो वो अपनी मिर्ची लेके खा ले, है ना। अभी हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, यहाँ पे हमने भून लिए है, इसको ऐड कर देंगे। और इधर हम यहाँ पे थोड़ी सी कोथमीर भी ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि नमक हमने मसाला भूनने के बाद में डाले ही नहीं, हमने जो चना बॉईल करने के टाइम पे डाले थे एक चम्मच, बस वही। तो यहाँ पे आप भी चख लेना, अपने हिसाब से नमक ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ मैंने चखी थी तो मुझे मेरे हिसाब से कम लगा, तो मैंने अभी ऐड कर ली। हाँ देखा रियाज, ये मेरा सालन मस्त है ना। अभी मगर मैंने इसमें अभी नमक ऐड करी हूँ, कसूरी मेथी ऐड करी हूँ ना, इसके लिए मैं ज़रा इसको 1 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी थोड़ा। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है और मेरे चने मसाले रेडी हो गई है। अब इसके साथ पूरी खाइए, रोटी खाइए, पराठे खाइए या पाव खाइए।
तो दोस्तों तैयार हो गया अपना काले चने का मसाला, चने सालन क्या है? हाँ, जो भी बोलो, चना मसाला बोलो या चने का सालन बोलो, लेकिन ये चना मसाला है क्योंकि थोड़ा ठीक हो चुका है अपने चने पीसने के वजह से। थोड़ा हाँ, मैं ये बोल रहा था चने पीसे ना तो थोड़ा ठीक हो गया है। जैसे कि आप अभी काजू बादाम भी पीस के डाल सकते थे। हाँ, डाल सकते थे, लेकिन जब इसका ऑप्शन इसी में मिल रहा है तो हम दूसरा खर्चा क्यों करें, है क्या? नहीं, अगर हमारे को इसी से स्वाद मिल रहा है, इससे ही थिकनेस मिल रही है, सब कुछ इसी से एडजस्ट हो रहा है, तो फिर क्यों डाले, है क्या? नहीं, और जिसको डालना है तो ये पीसे हुआ चना हटा देना और अपना काजू और बादाम जो ये बोल रहा है वो पीस के डाल देना, है क्या? नहीं, नहीं तो थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आइडिया दे रहा था, अच्छा नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे ऐसे चिकन भी डालो। इसके लिए हम यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं। फिर अपन ढाबे पे जाते तो वहाँ पे भी गार्लिक पराठा नहीं खाना चाहिए, वहाँ पे भी तंदूरी रोटी का ऑर्डर देना चाहिए। सही बोलो, इसका ऑप्शन है ना बेस्ट एकदम पार्ट, मेरे को लगता है भटोरे। हाँ, मेरे को ये दो, चाहे वो काबुली चने के छोले मसाले हो सही यार, देखो ना, काले मसाले के ये सालन हो यार, इसके साथ है ना पूरी और भटूरे। और जब ये ऐसा चटपटा चना बनता है ना तो साथ में उसका नींबू ना थोड़ा जायका बढ़ा देता है। नींबू लेके बैठा है पहले ही। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। बस बस बस, कांदे पे भी डालना है। निकालो अब तो वो प्लेट में, तो मैं कांदे पे भी थोड़ा देखो ना, कांदे मिले हैं, कांदे मेरे लिए कट के आए हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, बोल रहा था मेरे को कांदे नहीं देते खाने के टाइम पे, नींबू नहीं देते। काम चला रहे मेरे से भी अम्मी। देखो कैसा बोल रहा। अच्छा, आप लोग बताना कौन किससे काम चला रहा है। एक नंबर मसाला अब किसे मुंह में, ये ना कुंडे की नियाज में जब हम लोग जाते ना पूरी क्या खीर पूरी खाने, उसके बाद कहीं कहीं ना ऐसे चने मिल जाते खाने, वाटी में आते ना तो मजा आ जाते। हाँ, कौन कौन खाता है कुंडे की नियाज में चने का वेट, कौन कौन करता है कि यहाँ से मिल जाए अच्छा वाला मस्त एकदम नंबर। देखो कैसा बने हैं, अभी इसको ज्यादा सुखा देंगे ना इसको, और थोड़ा सा रमजान में भी काम आते। हाँ, रमजान में तो बोलते ना चना बहुत से लोगों की जान होती है, अफ्तार में स्पेशली। मैंने बनाई थी देखना रमजान में, एकदम खट्टे मीठे चने, चटपटे, इतना माशाल्लाह लोगों ने देखा भी उसको और अच्छे से पसंद। तो भाई अभी जैसे कि मैंने बोला 16 मसाले वाले चना। किस किस को चाहिए कमेंट जरूर करना। वो कब बनाए थे, हमने चैनल पे नहीं बनाए थे, हमने घर में अफ्तार पार्टी रखी तो हमारी जीनिया आपा ने बनाए थे और वो वीडियो मैंने शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। अभी देखो रोटी से काम चला रहा है, पूरी नहीं मिली। बिस्मिल्लाह ये लो भाई तुम्हारा कांदा, तो बोल के कांदा नहीं खिलाया, इतना बड़ा नहीं वाला फोन दे दे मैं। अरे आज तो मैं खिलाया वो कांदा था। तो पहले ना देखो आलू, आलू इतना मसालेदार लगेगा ना तो पहले आलू तोड़ने का, ये ना इसके हिसाब का नहीं वाला बनाया ये आलू लिए। हाँ, और ये रहा मसाला, हाय हाय हाय, मिर्ची के साथ भी यहाँ पे दिख रहा है। दिखा मस्त लग रहा है, एक नंबर। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। कांदा मस्त एकदम मजा आ गया। कोई मेहमान आ रहे ना बना देने का, ये आटा तो गूंद ही रहे ना रोटी बनाने के लिए, तवा हटा देने का, थोड़ी कढ़ाई चढ़ा देने का। यूनिक और अलग बोलते ना, इतना अनएक्सपेक्टेड अचानक जब मिल जाए ना ऐसा चना मसाला, सही बोलू तो अपन डेली टाइम पे नहीं खाते यार। अभी देखो ये तो बना ली मैं, नीचे जाके तो पक्का मैं भटूरे तलने वाली आज। भटूरे के साथ तो एक नंबर लगेगा सीधा, और रोटी के साथ नहीं खिलाऊंगी। ये तरीका अच्छा था अम्मी का, जो मतलब थोड़े चने पीस के इसमें डालना, मजा आई होगी। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कहीं ना कहीं ये भी वेज रेसिपी है अम्मी। फिर वेज वालों जरा ये भी सब्सक्राइब शेयर करो। अभी देखो वेज वालों का सुन रही हूं ना मैं, चना मसाला अभी से ये वीक में या ये मंथ में वेज की रेसिपी ज्यादा आई है चिकन मटन से। हाँ, तो मेरे को डिमांड ही उतना आ रहा था ना घड़ी में, अच्छी बात है। तो आप लोग भी कमेंट करो आपकी कुछ डिमांड होगी कि आज ये वेज रेसिपी शायद, और है ना देखो डिमांड करने के बाद है ना कोई को बच्चे मुंह फुगा लेते, प्लीज सॉरी मुंह नहीं फुगाओ, मुंह फुगाना मतलब बोले तो बुरा लगता है यार, जाओ मेरी रेसिपी आप लोग बना ही नहीं रहे, तो प्लीज सॉरी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बड़े हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स करे हैं लेकिन मैं उनकी डिश नहीं बना पाई, क्योंकि देखो एक कमेंट्स पढ़ने के बाद में एक डिश निकालती हूँ बनाती हूँ,
फिर दूसरी डिश आ जाती है तो उधर के कमेंट पढ़ने में लग जाती हूँ, तो वो डिश मेरे ध्यान से निकल जाती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि पहली डिश जो पिछली वीडियो चली गई उसमें कितने लोगों ने क्या क्या कमेंट किए थे। तो आप डेफिनेटली करते रहिए, मैं आप लोगों की डिश इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी बनाने की। ऐसा होता है मेरे साथ, नहीं तो क्या बहुत से बच्चे बोलते हाँ मैंने तो कमेंट करी थी आंटी तो मेरी डिश बना रहे ही नहीं, ऐसा भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर हम सब रेसिपी पे सब कमेंट पे ध्यान देते हैं। हाँ। तो बनाएंगे, बस थोड़ा वेट करो यार, इंशाल्लाह सब रेसिपी आपको मिलती जाएगी। हाँ। चलो चलते हैं, चलते जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।